वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए रेलवे एनटीपीसी के लिए अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीएस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यपाल को पदमुक्त किया जा सकता है, कैसे करोगे राज्यपाल को पदमुक्त? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, संसद में साधारण बहुमत से, संसद में दो तिहाई बहुमत से, या राष्ट्रपति के आदेश से? देखिए चूँकि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पयंत्र है, तो फिर इसके लिए संसद में दो तिहाई बहुमत या साधारण बहुमत या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से इसकी आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति के आदेश से ही ये पदमुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष दो हैं, स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो एलिमिनेट कर पाओगे क्या अगर नहीं पता है थोड़ा बहुत, तो या दूसरा कुछ पता है आपको, ये नहीं पता है कहाँ पर है वित्त आयोग? तो देखिए 324 में निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है 324 में, 148 में CAG है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान है, तो बचा अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान। कुछ इंपॉर्टेंट आयोग हैं, इनका आपको पता होना चाहिए आर्टिकल, जैसे महान्यायवादी किसमें है, 76 में, भारत के महान्यायवादी 76 में, 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, 324 में निर्वाचन आयोग है, 280 में वित्त आयोग है, ये सब पता होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडवलन में, कनिष्क के शासनकाल में। सब याद रखिए इनको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है? कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, तो अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी कारखाने में कार्य नहीं करेंगे। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बताइए? तो ये हो सकती है 552, जिसमें 530 जो होते हैं वो होते हैं स्टेट से आते हैं, और जो 20 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और जो 2 हैं वो एंग्लो इंडियन है, जो राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था बताइए? किसका जन्म में से आगरा में हुआ था? तो अमीर खुसरो का तो एटा में हुआ था, मिर्ज़ा गालिब का हुआ था आगरा में। किसका? मिर्ज़ा गालिब। अगला प्रश्न है, साखी सबद रमैनी निम्नलिखित में से किसकी कृतियाँ हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साखी सबद रमैनी, यह है कबीरदास जी की। किसकी? कबीरदास जी की। और सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी किसकी हैं? वो हैं सूरदास जी की। नवा प्रश्न है, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, इनमें से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है? कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है? सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, अश्मक नाम का जो महाजनपद है वो दक्षिण भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, 40 गुलाम सरदारों का गुट तुर्कान ए चहलगानी संगठन की स्थापना किसने की थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगानी किसने की थी? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने? दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन की किसने? रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद। और ब्रह्म समाज किसने? राजा राम मोहन राय। ये सीधे सीधे याद रखिए। नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? नील दर्पण बाल गंगाधर तिलक नहीं, ये दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया नाटक है नील दर्पण। नील विद्रोह का वर्णन है इसमें। गोरा और गीतांजलि किसकी रचना है? तो देखिए एक रचना है लाइफ डिवाइन, वो है अरविंद घोष की रचना, याद रखिए। और गोरा और गीतांजलि जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने, ये C.R. नहीं है, C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने
एक पार्टी का गठन किया था, इस पार्टी का नाम बता दो क्या था। ये थी स्वराज्य पार्टी। क्या थी स्वराज्य पार्टी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, ब्रह्मपुत्र तो पता ही होगा, चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, और गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ पर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ज़रा कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार नाशी है? कौन सा खरपतवार नाशी है? यह 2,4-D मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एक नॉन खरपतवार नाशी है, बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का गठन होता है, भारतीय संसद कैसे होती है गठन? केवल लोकसभा से नहीं, लोकसभा राज्यसभा से नहीं, एक चीज़ छूटी हुई है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीन से मिलकर होती है, सी हो जाएगा इसका। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति, उपराष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति? तो इसका आंसर प्रधानमंत्री के प्रति नहीं है, उपराष्ट्रपति के प्रति भी नहीं है, राष्ट्रपति के प्रति भी नहीं है, यह है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। अगर मंत्रिपरिषद का मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा तो वो राष्ट्रपति के प्रति होगा, और सामूहिक रूप से लोकसभा पूरी, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति है। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया था प्रथम राजभाषा आयोग का गठन? यह किया गया था बीजी खैर की अध्यक्षता में। कब? 1955 में बीजी खैर, ये नाम याद रखिएगा, बीजी खैर। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था, या इसको एक नाम और बोला जाता है, जमींदारी व्यवस्था। अब तो बता ही दोगे, जमींदारी व्यवस्था कौन लेकर आया था इसको? तो ये लेकर आया था 1793 में, 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस। स्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था है जमींदारी व्यवस्था में, जो पूरी पावर थी वो जमींदारों के हाथों में चली गई, और किसानों की हालत एक काश्तकारों की तरह हो गई, काश्तकारों की तरह हो गई, जिनका भूमि के ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था कैबिनेट मिशन का नेतृत्व 1946 में? तो ये किया गया था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा की थी ये की थी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, गरिया पूजा फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है ये? ये मनाया जाता है त्रिपुरा में, त्रिपुरा में, त्रिपुरा की रियांग जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील होना चाहिए? कितने वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए? तो देखिए, ये दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, मतलब आपको अगर जज बनना है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, तो कितने साल के लिए आप जज रहोगे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में, या फिर हाई कोर्ट में कितने वर्ष तक आपको वकालत करनी होगी? तो दो तरह से ही, याद रखिए, तो जो 10 वर्ष है वो अधिवक्ता के लिए हैं, मतलब वकील के लिए हैं, और जो 5 वर्ष है वो किसके लिए हैं? जो 5 वर्ष है वो है जज के लिए। मतलब सिंपल सा फंडा है, आसान भाषा में समझे तो, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है ना, तो आपको हाई कोर्ट में, आपको हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहना पड़ेगा, या फिर हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक लॉयर रहना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वकील पूछा है ना, तो 10 वर्ष तक, अगर जज पूछा होता तो 5 वर्ष तक। 25वां प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था किसके द्वारा? बेगम हजरत महल के द्वारा। किसके द्वारा? बेगम हजरत महल, तात्या टोपे ने कानपुर में किया था।
26वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता की थी? किसने की थी? ये की थी एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने की थी, और कब की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917। और इसके बाद दूसरी महिला कौन है? वो हैं सरोजनी नायडू। कहाँ पर? कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन 1925 में, कानपुर अधिवेशन 1925 में। अगर पूछा जाए कि किस भारतीय महिला ने पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो आप बताओगे 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू, ना कि एनी बेसेंट। 27वां प्रश्न है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम बताइए। तो कौन सा? देखिए, खान पानीपत का प्रथम युद्ध, खानबा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, या फिर चंदेरी पहला है और खानबा। पानीपत का प्रथम युद्ध तो सब में ही पहला है। देखिए, अब खानबा पहले रखें, चंदेरी पहले रखें, या घाघरा पहले रखें, और चंदेरी से खानबा पहले रखें या बाद में रखें, बताइए क्या होगा। तो देखिए, इसकी एक ट्रिक है, पहले शायद मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो में यूट्यूब पर ही, कि अब काफ़ी फेमस ट्रिक है, आपको भी पता होगी। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 28 में चल दिया कहाँ के लिए? घर के लिए। तो 29 में घर और 30 में मर, मतलब 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। इसका मतलब है 1526 पानी पिया पानीपत का युद्ध, 1527 खाना खाया खानवा का युद्ध, 1528 चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध, 1529 घर गया मतलब घाघरा का युद्ध, और 1530 मर गया मतलब मृत्यु बाबर की, कब? 1530 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 में पानी पिया और 27 में खाना खाया मतलब खानवा, और 28 में चल दिया, 29 में घर के लिए मतलब घर गया, और 30 में मर गया। तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर, पानीपत का युद्ध, खानबा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है 28वां, प्रथम जैन संगीति से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य होगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, यहाँ पर जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हो गया था। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, क्या तीसरा सही है? जी हाँ, बिल्कुल तीसरा भी करेक्ट है इसमें। जो पहली प्रथम बौद्ध जैन संगीति में ही जैन धर्म का विभाजन हो गया था श्वेतांबर और दिगंबर में, और जो श्वेतांबर थे वो वस्त्र पहनते थे, जो दिगंबर थे वो वस्त्रहीन रहते थे, ये चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई में। कहाँ पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय? मुंबई में, याद रखिए। अंतिम प्रश्न देखते हैं, 3 दिसंबर 2018 को किस देश ने तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? ये छोड़ दी है कतर ने। किसने छोड़ दी है? कतर ने। तो रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट। इस वीडियो का PDF इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस रखिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।